please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तलब किया था, जिसके बाद आरोपी विधायक सीएम योगी से मिलने एनएक्सी पहुंच चुके हैं। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, फिलहाल क्या खबर आ रही है, क्या किसी तरह का सख्त एक्शन भी योगी सरकार ले सकती है, क्योंकि मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपी विधायक को बुलाया और कुलदीप सिंह सेंगर मुख्यमंत्री के सामने अपनी पूरी बात रखेंगे। एक दिन में तीन तीन इंक्वायरी का आदेश होना, आईजी रेंज की इंक्वायरी होना, एडीजी जोन की इंक्वायरी होना और मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होना कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार बैकफुट पर है और इस पूरे मामले में अब वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। इसलिए तीन तीन बड़ी इंक्वायरियां हो रही हैं और जैसे ही सारी इंक्वायरियों की जांच रिपोर्ट आएगी, साफ तौर पर जो उन्नाव पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं, अभी वहां 5 पुलिस कर्मियों के ऊपर गाज गिरी है। माना यह जा रहा है कि उन्नाव पुलिस के बड़े अधिकारियों पर भी बहुत जल्दी सरकार की ओर से गाज गिर सकती है। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और अगर कुलदीप सिंह सेंगर इन सभी जांचों में फंसते दिखाई देते हैं तो आगे की राह उनके लिए भी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। शुक्रिया उत्कर्ष। सवाल ये कि रेप पीड़ित महिला के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत का जिम्मेदार कौन है। इस मामले की जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस वालों ने जांच में लापरवाही की है तो उन्हें भी सबक मिलना चाहिए। यूपी के लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक महिला की खुदकुशी करने की कोशिश पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस घटना को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को निशाने पर लिया, क्योंकि सीएम आवास के बाहर परिवार के साथ खुदकुशी के लिए पहुंची महिला ने सूबे की सरकार पर फरियाद नहीं सुनने का आरोप लगाया। घटना पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला सरकार से निराश होकर मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर रही है। क्या यही है एनकाउंटर वाली सरकार का खौफ कि अपराधियों की जगह आज नारी आतंकित हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी आरोपी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगर वो दोषी है तो उनको किसी तरह की लीनियंसी उनके साथ नहीं बरतनी चाहिए। विपक्ष के तेज होते हमलों के बीच बीजेपी की ओर से भी सफाई सामने आई।